एक तरफा प्यार में भोपाल में एक एक्ट्रेस को दिन भर बंधक बनाकर रखने वाले सिरफिरे ने फिर एक बार ऐसा ही दूसरा कांड किया। ये मामला है रीवा का, जहां रोहित सिंह नाम के इस सिरफिरे ने मां बेटी को कट्टे की नोक पर बंधक बना लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी रोहित सिंह और युवती में फेसबुक के जरिए बात होती थी, लेकिन इन दोनों बात बंद हो गई थी, जिसके बाद आरोपी मुंबई से रीवा पहुंच गया। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, काफी मशक्कत के बाद मां बेटी को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया गया। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। रोहित सिंह नाम का आरोपी है। सुबह सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि एक फरियादी आया है, रितु उसके घर में घुसा हुआ है। इसने पुलिस को खबर की, पुलिस पहुंची तो इस पुलिस को वो दरवाज़ा नहीं खोलने दे रहा था। बड़ी हिकमत ने इसे पड़ोसियों के घर के माध्यम से दूसरे की छतों में चढ़ के पुलिस ने फिर दरवाज़ा तोड़ के आरोपी को पकड़ा। आरोपी ने रितु नाम की जो महिला है उसके ऊपर फायर भी किया था। उसकी तरफ से 307 का प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। आरोपी को पकड़ने के लिए जब पुलिस गई थी तो पुलिस पर भी उसने फायर करने की कोशिश की, लेकिन फायर मिस हो गया, जिससे कोई दुर्घटना नहीं घटी है। आरोपी को गिरफ्तार करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। कितने बजे घटना? सुबह की 5 बजे के आसपास। ये आरोपी एक्चुअल में रहने वाले यूपी अलीगढ़ का है और हाल में अभी ये मुंबई रह रहा था। उस महिला से इसकी फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी, उसके कारण से यहाँ आ गया है। सर इसके कारण? हाँ, इसमें ऐसी जानकारी मिल रही है कि भोपाल में भी इसने इस तरह की एक घटना की हुई है। उस घटना के बारे में भी भोपाल से पतासाजी कर रहे हैं। अब इसका रिकॉर्ड लेने का प्रयास करेंगे, अभी ये कार्रवाई चल रही है। आरोपी रोहित सिंह यूपी के अलीगढ़ का रहने वाला है। इससे पहले वो भोपाल में भी एक एक्ट्रेस को दिन भर बंधक बनाकर रख चुका है। भोपाल में बंधक बनाने की घटना 3 जुलाई 2018 को हुई थी। यहाँ भी पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। फिलहाल आरोपी पुलिस के शिकंजे में है और पुलिस कड़ी कार्रवाई का भरोसा दे रही है। रीवा से विजय कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट, एमपी तक।